लॉकडाउन राइटर के सीजन 3 में आज हम पढ़ रहे हैं तीन छोटी कहानियां, और ये तीनों छोटी कहानियां लिखी हैं इतालो काल्विनो ने, इटली के एक मशहूर गद्यकार। पहली कहानी, मछली और तालाब। किसी जगह एक ऐसा देश था जहां के सारे बाशिंदे चोर थे। रात के समय सब लोग हाथ में खुफिया चाबियों के गुच्छे और काली लालटेने लेकर घर से निकलते, और किसी पड़ोसी के घर में सेंध लगाने के बाद जब वे सुबह तड़के लूट के सामान से लदे फंदे घर लौटते तो उन्हें पता चलता कि उनके खुद के घर में चोरी हो गई। तो इस तरह वे सब सुख शांति से मिलजुल कर रहते, न कोई जीतता न कोई अपने को हारा हुआ महसूस करता, क्योंकि यहाँ का हर व्यक्ति किसी दूसरे के घर, हर दूसरा किसी तीसरे के घर और हर तीसरा किसी चौथे के यहाँ चोरी कर रहा होता। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आखिरकार उस अंतिम शख्स का नंबर आता जो सबसे पहले व्यक्ति के यहाँ चोरी कर रहा होता। उस देश में व्यापार का मतलब ही था खरीदार और बेचने वाले के बीच की आपसी धोखाधड़ी और जालसाजी। सरकार एक जीता जागता अपराधी संस्थान थी जो अपनी प्रजा को चूना लगाने से बाज नहीं आती थी, और नागरिकों की भी एकमात्र रुचि इसी बात में रहती थी कि सरकार को कैसे और किस किस तरीके से ठगा जाए। तो इस तरह जीवन आराम से कट रहा था, और ले देकर उस देश में ना कोई अमीर था और ना ही कोई गरीब। अब एक दिन पता नहीं कैसे हुआ यूं कि एक ईमानदार आदमी उस जगह आकर बस गया। जब रात हुई तो झोला और लालटेन लेकर बाहर निकलने की जगह वह आदमी सिगरेट का कश खींचता अपने ही घर में एक नॉवल पढ़ने में मशगूल बैठा रहा। जब चोर आए तो कमरे में जलती बत्ती को देखकर वे भीतर नहीं घुसे और बगैर चोरी किए वापस लौट गए। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, फिर आखिरकार लोगों ने आकर उस ईमानदार आदमी को समझाया कि वे चाहे कुछ भी किए बगैर अपनी जिंदगी क्यों ना काटना चाहता हो, लेकिन दूसरों को अपना काम करने से रोकने का उसे कोई अधिकार नहीं है। क्या वह जानता है कि उसके एक रात घर से बाहर ना निकलने की वजह से अगले दिन किसी ना किसी परिवार को अपनी 2 जून की रोटी तक से महरूम रहना पड़ता है। ईमानदार आदमी से इस तर्क का जवाब तक देते नहीं बना। तब उसने भी औरों की तरह हर शाम घर से बाहर निकलकर अगली सुबह वापस लौटने का सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन वह चोरी नहीं करता था। आखिर वह एक ईमानदार शख्स था और इस बारे में कुछ किया भी नहीं जा सकता था। वह रात को पैदल चलकर पुल तक जाता, नीचे बहते हुए पानी को देर तक देखता रहता। लौटने पर उसे पता चलता कि उसके घर में चोरी हो गई है। एक सप्ताह से भी कम समय में वह ईमानदार आदमी कंगाल हो गया। उसका घर खाली हो गया और उसके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी बाकी नहीं रहा। लेकिन यह कोई खास बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि इसमें आखिरकार उसकी स्वयं की गलती थी। बड़ी समस्या यह थी कि उसके इस व्यवहार से सब कुछ गड़बड़ा गया था। चूंकि वह स्वयं किसी से कुछ भी चुराए बगैर अपना सब कुछ लुटा देने पर आमादा हो चुका था, इसलिए हर रात कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता जो सुबह वापस लौटने पर पाता कि उसका घर ज्यों का त्यों है, जबकि हिसाब से वह घर उस ईमानदार आदमी द्वारा लुटा होना चाहिए था। तो जो भी हो, जिन लोगों के घर इस तरह लुटे जाने से बचते रहे, उन्होंने कुछ समय बाद पाया कि वे दूसरों के मुकाबले काफी अमीर हो चले हैं और उनमें चोरी करने की इच्छा कम होने लगी। यही नहीं, ईमानदार आदमी के घर चोरी करने आने वालों को वह घर हमेशा खाली मिलता।
था और इससे वो धीरे धीरे गरीब होते चले गए। इस बीच अमीर हुए लोगों में से बहुतों ने उस ईमानदार आदमी की तरह रात में पुल पर जाकर नीचे बहते पानी को देखने का शगल हॉबी शुरू कर दी। इससे चीजें और भी उलझ गई क्योंकि ऐसा करने के परिणाम स्वरूप बहुत से अन्य आदमी अमीर तथा बहुत से अन्य और आदमी गरीब होते चले गए। अब स्थिति में अमीर आदमियों ने महसूस किया कि अगर वे हर रात पुल पर जाकर पानी का बहना देखते रहे तो कुछ ही दिनों में वे भी गरीब हो जाएंगे। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे गरीबों में से कुछ को नौकरी पर लगाकर उन्हें अपनी जगह चोरी के लिए भेजना शुरू करें। बात की बात में उन्होंने तनख्वाहें और लूट में हिस्सेदारी की दरें तय कर दी क्योंकि आखिरकार थे तो वो चोर ही और चोरी चमारी धोखाधड़ी ही उनका पेशा भी था। लेकिन इन स्थितियों में जैसा होता है वैसा ही आखिरकार हुआ भी, यानी अमीर और अमीर होने लगे और गरीब पहले से और गरीब गरीबतर होते चले गए। कुछ अमीर अब तक इतने अमीर हो चुके थे कि अमीर बने रहने के लिए उन्हें चोरी करने या अपने लिए दूसरों से चोरी करवाने की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन फिर भी चोरी करना बंद करने से उन्हें अपने गरीब हो जाने का खतरा महसूस होता रहा क्योंकि गरीब अब भी उनके यहां चोरी कर रहे थे। तब उन अमीरों ने गरीबों में से भी सबसे गरीब लोगों को पैसा देकर उन्हें दूसरे गरीबों से अपने माल की हिफाजत के लिए नियुक्त कर लिया। इससे आखिरकार पुलिस के दस्ते खड़े होने लगे और जेल खाने बनवाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो इस तरह उस ईमानदार आदमी के प्रकट होने के कुछ ही वर्षों में लोगों ने चोरी करने करवाने लूटने या लूटे जाने का जिक्र बंद कर दिया और सिर्फ अमीरों और गरीबों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। लेकिन रहे वे पहले की तरह चोर ही और चोरियों का सिलसिला भी उसी तरह चलता रहा। सिर्फ वह इकलौता ईमानदार आदमी पहले की ही तरह ईमानदार बना रहा और कुछ ही दिनों के बाद उसने भी आखिरकार भूख से दम तोड़ दिया। तो ये थी इतालो काल्विनो की एक छोटी कहानी, एक मछली और तालाब।